बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब भाई खैर की सुन रहे। ये व्लॉग का आगाज़ करें, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। अच्छा जी, कुमार सोया हुआ वा, फिर ज्यान कहता कि मैं जाके भाई ना सुना, कुमार नाल सिलाया सिला लिया कर, इनू गुच्छा हो गया, थोड़ा बड़ी गुच्छा हो गई। अच्छा जी, ये कह दिता मैं अतना या मारना, मारे सराणी वापस कर दे, सराणी वापस कर दे, सराणी वास्ते आया बापू, सराणी वापस कर ले लो, ले लो, वो देखो भैया ने दे दिए, ले लो अपनी छानी, छानी लेके मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इधर मेरे पास आ जाओ। जान ने अपनी छानी ले ली, आपी का बिस्तर सारा खराब करता, आपी तेन पूछेगी आप। अच्छा जी, बिल्कुल अदन त्यार था वा, अदन भी दो तीन सराने रख के ना, एक एस बाई के नाल, एक एस बाई के नाल, तो दरम्यान सौंदी है, तो इनू भी देखो ये अपनी सराणी किसी को नहीं दिता। जान मुंह दिखाना, चा करो मुझे, चा करो जान मुझे, चा करो, चा चा आंटियां चा कर दो, आंटियां चा, मां चला जान, बहुत प्यारा जो बेबी है, खेलियां कर रहा है, पंखा चल रहा है, शोर भी काफ़ी आ रहा है, मार कंबल लेकर सो रहा है क्योंकि पंखे की काफ़ी हवा है, और मेरी इस जगह पे चार पाई होती है अदन की और मार की पंखे के आगे, और इस साइड पे होती है अदन के पप्पा की। जैन बाय बाय करो, वहाँ छाला वहाँ छाला, जैन को खाला छुप गया, छुप गया, आपी को बुलाओ, आपी को, आपी को आवाज़ दो, आपी को जोर की आवाज दो, आप ही को आवाज दो, छानी लेनी है ले लो, चलें ठीक है फिर। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा जी, ज्यानू ना एक घंटा पहले मैं कपड़े चेंज किए थे नहाई करवा के, तो अदन बेटी वास्ते बनाइया से सेवियां, उन्हें खाने लगे ने सारिया सेवियां ना अपने कपड़े के गले में पा लिया, हूँ फिर नहा के चेंज करवा के लटाया, बाद च करें आप, बाद च करें, अल्लाह हाफिज कर दें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज कर दें, चलें ठीक है, ठीक है। चल लाइला सुना दो एक बार, लाइला कलमा सुना दो, कलमा लाइला सुनाओ, नहीं सुनाना, सभी शर्म आ रही है जान पर, सुना दो फिर सही से, सही से सुनाओ, साड़ियाँ भुखो लगती हैं क्योंकि ये चक जरा ना मेरे ज़्यादा यानी कि चाचू तो भुखो क्योंकि दादकिया का पेंड है, ठीक है ना, यानी साड़ा अगर मामिया दे जाइए तो वह सारे मामिया का पेंड हो जाता, नानकिया का हो जाता, ये दादकिया का, इतने हम जड़िया यानी कि साढ़े तो व्डिया वो साड़िया भुखो हो गई, ठीक है ना, यानी जड़िया ते बाकी चाचे हो गए जिन्हों भी साढ़े तो व्डे उन्होंने असं चाचू कहने ना, चाचा कहने, तो मैं हूँ मैं क्या भी बंदा चंगा नहीं लगता, हम घर का एक फर्द जो बीमार हो गए तो फिर वो वास्ते ना ये सारिया चीज़ा चलिए चाहिए, तो कम से कम इंसान जरा ना वो सफाई कर लेनी चाहिए है, ताकि जरा ना कोई भी बंदा आवे तो अगला कहे कि बहुत साफ सुथरा इन्होंने फर्श रखा हुआ, बिल्कुल जरा ना मैनू खुद अच्छी नहीं चीज़ लगती हैगी कि फर्श करता हो या जरा ना, मैं कहना कि साफ सुथरी चीज़ होनी चाहिए। अच्छा जी, सुबह का ज्ञान ने मैं हूँ उठी हाँ, कैब चला के बैठा नहाइया करता वा, तो अदन बेटी कहती है कि मैं खिचड़ी मिठिया सेवियां खा खा के थक गई हाँ, मैं रोटी खानी है, तो हूँ मैं ना शोरबे वाला कुछ सालन बना के उन्होंने अद्धी रोटी चूर के दिनी हाँ, तो हूँ मैं सालन बना लगी हाँ, पियाँ भी गुजारा नहीं है अभी, मैं ना स्पैशली डॉक्टर
हाँ तो स्पैशलिस्ट डॉक्टर को नंबर लगवाया वा तो मेजर ही ना दवाई लिया कहने कहने बहुत अच्छा डॉक्टर है तो जेद को हमारा नहीं लै रही डॉक्टर मेजर का ही है तो वो जाना वा तो दवाई लैके आनी टमाटर तो पतला जहा शोरबा बनाना वा प्याज लहसुन तो सारी चीज तैयार कर ली हम सालन बनाने गोश्त ही मैं फ्रिज थोड़ा जहाँ प्याज वही निकाल लिया एक दो आलू पा लें जल्दी वास्ते जो मैं मैडम आखिया कि जरा कोई शोरबा बना ला थोड़ा जहा अच्छा उधर की गल कि जिड़ी चीज़ को डॉक्टर मना कर दे उही चीज़ को ज्यादा देर कर दें हाँ जी नहीं करके कहना कि रोटी खा ला अच्छा भुपा खा लेनी है ठीक है ना लेकिन हूँ मना किया रोटी तो जो खाना खा रहे थे अम्मी जी की कॉल आई ना तो अम्मी कह रहे थे कि मैं कह रही थी नानो अम्मी मेरी मम्मा को भी लगी रोटी दे दे लगी रोटी दे दे रोटी ना खाना भी कमजोरी हो जाती है वो मेरे को खड़िया नहीं जाता इसी वजह से रोटी वो कहते मेरे को मम्मा जी मैं खड़ नहीं सकती मेरे को खड़िया नहीं जाता बहुत कमजोर हो गई बस शोरबा बना चूर के दें अच्छी तरह भून के शोरबा बनाने पहले कोई भी क्लिप पाना भूल गई मोबाइल मेरे को ही पिया क्योंकि हर वक्त काचना कद कोई बच्चा नहीं ठीक कद कोई परेशानी की वजह से मैं जेन उधर जो बंद सोच लग जाता याद ही भुल जाता इसी तरह भुन लिया कुछ मिनट पानी पा दें शोरबा भन लिया तो मैं रोटी बना पानी पा दिता वा अच्छी तरह पक जाएगा तो हम इन कर देंगे कवर अच्छा जी उमर सुबह सुबह नहा के ना चेंज करके तो फ्रैश होके अपना लेट जाता वा कपड़े उतार के रख दिता है कि बस हम मम्मा जी धोई तो चले मतलब वो बेटा थोड़ी रिपोर्ट हो पई है जाना डॉक्टर को तो दिखानी है किस तरह तबीयत है गर्दन है अच्छा अच्छा जिस दिन कह रही है कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा तो बस लेट जाना हम नानो भी कह रही थी कि दिन को कहें ज़्यादा रेस्ट करें फिर जल्दी बंदा ठीक हो जाता है तो अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट उठाएं तो आज डॉक्टर के पास जाते हैं दोबारा एक बार चेकअप करवाते हैं तो मैंने भी दवाई लेनी है तो हम दोनों माँ बेटी चलते हैं तो यहाँ पर जहान सोया हुआ पंखा चला दूँ पंखा मैंने बंद किया था नहाई कारा तो इसी तरह ही ना सला दिया ऐसे बेशक अब ठंड लग जाए जहान को तो पंखा मैंने चला दिया अच्छा जी अब मैं जा रहा हूँ छत पे और दिखाता हूँ आपको कि चाचू लोगों ने क्या किया चाचू मिस्त्री ने क्या किया अच्छा जी अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ छत पे जा रहा हूँ ये हमारी ये कुंड हो गई बल्कि इसके नीचे ये दूसरी है इसके ऊपर तीसरी है ये देखिए ऐसे किससे अच्छा जी ये हमारे छत का कमरा आ गया अब आगे जा कर दिखाता हूँ ये कैसे बारिश लग रहा है अच्छा जी सुबह का इतना सा फर्श लगा है अभी तक तो अभी ये यहाँ से लेके पूरा लगाना है यहाँ से कितने प्यारे लग रहे हैं ये यहाँ से हमें हाल बनाए हैं एक लाइन इधर को और तीन लाइन इधर को अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ अच्छा जी देखते हैं उत्ते मिस्त्री साहब की करते हैं तो छत चढ़ते हैं सीढ़ी लगाई हुई है मैं हूँ सीढ़ी नू हाथ रखी यार मैं उपर चढ़ना अच्छा जी पत्थर ला रहे ने मिस्त्री भाई ते इत्थों दा देखते हैं उपर जाके इत्थों मैनू कुछ होर महसूस हो रहा
लो जी मिठे अंब 100 रुपये किलो विकते पे ने, ठीक है ना। तो जो अंब खाने तो उदो उन्हें होंगे ही मिठा, होर की होंगे। अच्छा जी साढ़े वाल हूँ जरा ना बहुत सारा जरा बन गया कि तुम देख सकते हो कि वह सामने घर के तकरीबन 8 प्लेटा जड़िया ना उन्होंने लैके आदियाँ भाई राशिद होना दे पईयां ना, वह भाई ज़िया होना ने भी 8 प्लेटा होर मंगवा लिया। हर यानी कि हर रूम च एक एक एसी आ, 8 प्लेट जी ना वो एसी नू चलांदी आ। ते उन्होंने सारा दिन एसी चलता उन्होंने, ते उन्होंने सोलर ते एसी कर ले आ।